अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज आज दिल्ली की सड़कों पर इनविटेशन कार्ड बांटते हुए नजर आए। सौरभ भारद्वाज सड़क पर घूम घूम कर आम लोगों को आमंत्रण पत्र बांट रहे थे। आम लोगों के बीच न्योता पत्र बांटे जाने की कई तस्वीरें आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी शेयर की गई है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री गोपाल राय ने भी आम लोगों के बीच यह आमंत्रण पत्र बांटा है। इस आमंत्रण पत्र में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी थी और इसमें लिखा गया था कि केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ महारैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने की योजना बनाई है। इस रैली में शामिल होने के लिए आपने दिल्ली वासियों से भी अपील की थी, जिसके बाद अब आप पार्टी के नेता लोगों को इस तरह आमंत्रण पत्र देकर रैली में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। बता दें, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 11 जून को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली एक संदेश है कि केंद्र सरकार जो उन्होंने किया ठीक नहीं किया, दिल्ली के लोग इससे आहत हैं। इस महारैली के बारे में जानकारी देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो कानूनी लड़ाई दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से लड़ रही थी कि अफसरों पर किसका नियंत्रण होगा, उस कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की जीत हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सही नहीं किया। इस महारैली के जरिए केंद्र सरकार को यही संदेश देने की कोशिश की जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि अगर सब विपक्षी दल इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ये अध्यादेश गिर जाएगा। अगर कुछ दल मोदी सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे तो उन्हें फिर विपक्षी दल कहना ही बंद कर देना चाहिए। वहीं बता दें कि आम आदमी पार्टी अपनी इस महारैली में दिल्ली वासियों को बुलाने के लिए डोर टू डोर अभियान भी चला रही है। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता लोगों के घरों में जाकर उनसे संपर्क कर उन्हें इस महारैली में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेताओं से मिल चुके हैं और इस दौरान उन्हें समर्थन का भरोसा मिला है।